हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितनी तरह की मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और थोड़ा बहुत उनके बारे में बताऊँगा। वैसे मैं हर एक मेडिसिन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आओ देखते हैं स्टूडेंट्स के कितने तरह की मेडिसिन होती हैं और क्या उनके यूजेज होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने आप देख रहे हो कि कितनी तरह की ड्रग्स हो सकती है, मतलब कितनी तरह की ड्रग्स मतलब दवाइयाँ ही समझना, गलत मत समझना, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ ही होती हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ड्रग्स और मेडिसिन में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल आप यही समझना कि ड्रग जो है वो मेडिसिन ही है। ठीक है, अब क्या है कि कितने तरह की मेडिसिन हो सकती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एक होती है बच्चों एंटा एसिड्स। ये एंटा एसिड्स क्या होते हैं? एंटा एसिड्स वो होते हैं जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड को कम करते हैं। एंटी हिस्टामाइंस क्या होते हैं? जो एलर्जी को कम करते हैं। तो मैं आपको ना अपनी अगली स्लाइड पर लेके जा रहा हूँ, जिसमें ना हर एक मेडिसिन के बारे में मैंने डिटेल के अंदर जो है वो एक स्लाइड बना रखी है, एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, वो मैं आपको शो करता हूँ कि जितने भी तरह की मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, और आप देख रहे हो एंटी डिप्रेसेंट, इनका जो है वो क्या फंक्शन है और ये कैसे काम करते हैं। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे खास तौर पे 11th और 12th साइंस के हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है हमारे क्लास का एक चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंटा एसिड्स आ गया है। एंटा एसिड्स क्या होता है? एंटा एसिड्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो न्यूट्रलाइज करती हैं एक्सेस एसिड को। ठीक है, अगर आपके पेट में एक्सेस एसिड हो जाता है गलत खाने पीने से या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, तो उससे बच्चों क्या होता है कि ना जो स्टमक है उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है, स्टमक का जो पीएच है वो एक अप्रोप्रिएट लेवल से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी मेडिसिन जो एक्सेस एसिड को ख़त्म कर देंगे हमारे पेट में से, उसको हम बोलेंगे एंटा एसिड्स। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप सब जानते होंगे डाइजीन की गोली या डाइजीन की बॉटल आप सबने अपने घर में देखी होगी, बेसिकली उसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों और भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जैसे कि डाइजीन के अलावा अगर आपने कभी भी आप हैवी मेडिकेशंस में रहे होंगे, तो एक गोली है जिसका नाम होता है बच्चों रेंटेक। ये रेंटेक जो है बहुत ज़्यादा फेमस दवाई है, ये उन लोगों को दी जाती है जिनको बहुत ज़्यादा गैस, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है। ये रेंटेक होती है जो मॉर्निंग में एक गोली अगर खा लेते हैं तो उससे जो है वो पूरे दिन गैस नहीं बनती। लेकिन बच्चों मैं आपको यही कहूँगा कि ये मैं एलोपैथिक मेडिसिन के अगेंस्ट भी नहीं हूँ और एलोपैथिक को प्रमोट भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि रेंटेक गोली का क्या काम है। 12th क्लास के बच्चे को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि रेंटेक गोली जो है वो एंटी गैस होती है। अगर आपको कभी ऐसा रहता है कि आपको पूरे दिन स्टमक में लगता है कि आपका पेट फूल सा रहा है, तो आप इस गोली को खा सकते हैं, लेकिन ये खाली पेट ही ज़्यादा असर करती है। बाकी इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने आपको बोला कि हर एक मेडिसिन के ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, और एग्जाम्पल ओमप्रोजोल, लेंसप्रोजोल, और बच्चों आजकल जो है ना वो पेन डी बहुत ज़्यादा फेमस है, पेन डी। ठीक है ना, इसके अंदर भी यही सॉल्ट होता है ऑलमोस्ट, तो मॉर्निंग में ये दवाई खाई जाती है जिससे कि पूरे दिन गैस नहीं बनती। ये वो लोग खाते हैं जो हैवी मेडिकेशंस पे रहते हैं तो उनको ये गैस बन जाती है, या जो बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं उनको बच्चों ये गोली खानी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा फेमस गोली होती है। उसके बाद आता है बच्चों एंटी हिस्टामाइंस। इतना बड़ा नाम देके बच्चों आप जो है घबराना मत, ये कुछ नहीं है, ये एलर्जी को कम करने की दवाइयाँ होती हैं बच्चों। एलर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी मतलब होता है स्किन रैशेस, या जो कोल्ड होता है, कोल्ड भी जो है वो एक तरह की क्या है? एलर्जी है। ठीक है, कोल्ड कह लो या आप कह सकते हो स्किन रैशेस। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको अगर आपको कभी कोल्ड हो गया है या आपको बहुत ज़्यादा स्किन रैशेस पड़ रहे हैं, आपको मोटे मोटे दाने निकल रहे हैं, मतलब फेस पे नहीं कह रहा मैं, वो तो एक हॉर्मोन्स की वजह से होता है, वैसे अगर आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है या एलर्जी हो रही है, तो तब हम एंटी एलर्जी खाते हैं। और बच्चों उसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है सिट्राजीन। ठीक है बच्चों, सिट्राजीन, सिट्राजीन जो है इससे बहुत ज़्यादा नींद आती है, और एविल भी बच्चों इसमें आती है, और एलेग्रा, एलेग्रा भी जो है इसके अंदर आती है। तो कभी आपको कोल्ड हो और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप सिट्राजीन या एलेग्रा ले सकते हैं बच्चों। डॉक्टर अपने आप घर पे नहीं बनेंगे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ फॉर एमरजेंसी एंड एजुकेशन। ओके, दिस इज़ फॉर एमरजेंसी एंड एजुकेशन। मैं आपको घर का डॉक्टर, मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कल को आपको कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, तो आप एलेग्रा या सिट्राजीन ले सकते हो ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको
बहुत ज्यादा कोल्ड, या आपको जो है वो स्किन रैशेस पड़ रहे हैं। और आपको ये भी समझा रहा हूँ कि कोल्ड और स्किन रैशेस एक तरह की एलर्जी होती है, और एलर्जी से बचने की ये दवाई होती है बच्चों। देन आता है ट्रैंकुलाइजर्स। बच्चों ट्रैंकुलाइजर्स उन लोगों को खाते हैं जिन लोगों को हो जाता हैवी डिप्रेशन, मतलब ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, उन लोगों को ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं। बेसिकली ये सब जो होते हैं वो नींद की दवाइयाँ होती हैं, और इसको तो बच्चों मैं कहूँगा हमेशा अवॉइड, अबिक अवॉइड, भगवान ना करे कभी इसकी किसी को ज़रूरत पड़े। देखो बच्चों जुकाम हो जाए या आपका जो है एसिडिटी हो जाए, वो तो चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, लेकिन डिप्रेशन जो है बच्चों को नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं तो इसके बाकी एग्जांपल्स हैं, और ये क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ इसके लिए बिग अवॉइड, तो इसके मैं डेली लाइफ वाले एग्जांपल आपको नहीं दे रहा। उसके बाद आते हैं बच्चों एनल्जेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी एनल्जेसिक्स क्या होती हैं। एनल्जेसिक्स होते हैं पेन किलर। ओके, एनल्जेसिक्स क्या होते हैं बच्चों? एनल्जेसिक्स होते हैं पेन किलर। ठीक है, मतलब जिस भी दवाई के आगे अगर आप देखोगे कि जेसिक लिखा है तो समझ जाना बच्चों वो पेन किलर है। ठीक है ना, तो एनल्जेसिक जो है वो क्या करता है, वो जो है एक नर्व को, देखो देख रहे हो आप बच्चों, वो जो है वो एक नर्व को कमजोर कर देता है जो हमें मैसेज दे रही होती है कि हमें पेन है। ठीक है, वो उस नर्व को कम कर देता है जो हमें मैसेज दे रही होती है कि हमें पेन है, उस नर्व को वो वीक कर देता है जिससे हमें ये नहीं पता लगता कि हमें दर्द हो रहा है। ये दर्द को खत्म नहीं करता, ठीक है ना, ये सिर्फ एक नर्व को वीक कर देता है जिससे कि हमें पता, हमें मैसेज मिल रहा होता है कि हमें दर्द है। ठीक है बच्चों, जो एनल्जेसिक्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, मतलब पेन किलर दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन एडिक्टिव, मतलब जिससे हमें आदत नहीं पड़ती है, और ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, ये स्वेलिंग या सूजन को कम करता है। जैसे आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, कोई गुम चोट लग रही है, या आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपका बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, तब वो ये भी अगेन इमरजेंसी में ही यूज़ करेंगे बच्चे, और जो है ये पेन किलर होता है। और इसके एग्जाम्पल बच्चों एस्प्रिन, एस्प्रिन का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। एस्प्रिन का फॉर्मूला जो है ये क्लास 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको नॉलेज गेन करनी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्प्रिन का फॉर्मूला होता है। ये ब्रूफन है बच्चों, ब्रूफन भी बहुत बड़ा पेन किलर है। इसके अलावा बच्चों एक मोबी जॉक्स ब्रांड से आता है, वो भी बहुत बड़ा पेन किलर होता है। और बच्चों एक होता है वॉवरिन SR। ठीक है, तो आपको कम से कम जो है वो इतना पता होना चाहिए कि वॉवरिन SR। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे अधिक पेन किलर्स जो हैं आपको बहुत जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि आप लोग अभी जिस एज में हो, आपका कभी कोई बहुत तेज स्कूटी चला रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई खेलते खेलते गिर जाता है तो बहुत दर्द अगर हो रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप ये पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन अगेन बच्चों अपना डॉक्टर खुद कभी नहीं बनेंगे, आप जो है वो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। लेकिन ऐसा उन केसेस में बता रहा हूँ जैसे कि आप किसी विलेज में हैं या डॉक्टर से बहुत दूर हैं, और आपको कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप डॉक्टर से नहीं मिल सकते, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि सूजन को कैसे कम कर सकते हैं और दर्द को कैसे कम कर सकते हैं। जिस भी दवाई के आगे अगर जैसे लिखा है तो वो क्या होती है, पेन किलर। इतनी समझ 12th क्लास के साइंस के बंदे को होनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों नारकोटिक एनल्जेसिक्स। इसको तो बच्चों मैं अगेन बोलूंगा, इट्स अ बिग अवॉइड, इट इज इलीगल। ठीक है बच्चों, ये होती हैं वो ड्रग्स जो हम सोचते हैं कि हमें जो उनको ड्रग्स कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो बच्चों हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, ये सब जो होते हैं ये एक्चुअल ड्रग्स होती हैं, ये नर्वस सिस्टम को बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो बच्चों आप सोच रहे हो कि हम ये क्यों बता रहे हैं। बच्चों क्या होता है कि ना, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो नॉर्मल पेन किलर से जो है वो ठीक नहीं होता, इसलिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। जिनको देखो देख रहे हो तो ये जो है वो पेन को कम कर देता है। जब जब देखो क्या लिखा हुआ है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, एक्यूट पेन ड्यू टू सर्जरी। तो जिनकी सर्जरी होती है उनके लिए ये पेन किलर होते हैं, तो ये कभी भी सपने में इसके बारे में मत सोचना। उसके बाद आता है बच्चों एंटी माइक्रोबियल्स। यही है आजकल की सबसे ज़्यादा हिट दवाई, क्योंकि आजकल सबको खानी पड़ रही है कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के बारे में बच्चों ये बोलूँगा, कोरोना वायरस के अगेंस्ट अभी तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी, अगर बन जाती तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो ख़त्म ही हो जाता। ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक क्या करता है बच्चों, एंटी माइक्रोबियल क्या करते हैं, ये माइक्रोब, जैसे कोरोना वायरस जैसे माइक्रोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। और सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी, और मज़े की बात बच्चों ये होती है
कि एंटीबायोटिक जो होती है ना वो माइक्रोब से ही बनती है, ठीक है ना, मेड फ्रॉम माइक्रोब्स टू किल माइक्रोब्स, ठीक है ना, मेड फ्रॉम माइक्रोब्स टू किल माइक्रोब्स। तो ऐसी मेडिसिन जो माइक्रोब से ही बनती है माइक्रोब्स को ही मारने के लिए, जैसे कि आपको पता है बच्चों इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है, तो ऐसे माइक्रोब्स भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसी चीज़ का लॉजिक का फायदा जो है वो उठाया गया है जो है एंटीबायोटिक बनाने में। और बच्चों देखो क्या होता है, एंटीबायोटिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ्लक्सिन, आप याद रखो, कभी भी आपको अगर लूज मोशंस लग जाते हैं, आपका जो है वो स्टमक बुरी तरह से अपसेट है, तो ऑफ्लक्सिन इमरजेंसी, अगेन अगेन इमरजेंसी, विदाउट डॉक्टर हम नहीं करेंगे। ये दवाई बच्चे हम तब लेते हैं जब हमें हो जाता है, जैसे कह सकते हो आपके आपका सोर थ्रोट हो रहा है, आपके गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे ही मैं कुछ खा रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, उस केसेस में बच्चे हम जो है इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद बच्चों जो है सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक्स कितनी तरह की होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है बच्चों बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, अगर हर हर तरह के बैक्टीरिया को अगर मार सकती है तो उसको बच्चों हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जो हर तरह के बैक्टीरिया को मारे उसे बोलेंगे बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और जो सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए ही बनी होती है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, तो उसे बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के लिए बनी है उसे बोलते हैं, पर्टिकुलरली किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए बनी है उसे बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो बच्चों याद रखना क्लोरो एम्फिनिकॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्लोरो एम्फिनिकॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लक्सिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एग्जाम में भी ये बहुत पूछते हैं। उसके बाद बच्चों एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये हमारा लास्ट है। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है बच्चों के ना, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो होती हैं, एंटीसेप्टिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम अपनी स्किन पर लगाते हैं, देखो देखा है ना, दे आर सेफ टू अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। ओके, तो ये बच्चों बहुत ज़रूरी है कि ये एंटीसेप्टिक भी एंटी माइक्रोबियल होते हैं, दे आर ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल्स। ओके बच्चों, ये भी माइक्रोब्स को मारने के काम में आती हैं, लेकिन ये बस जो एंटीसेप्टिक है इसको हम स्किन पे लगा सकते हैं, जैसे डिटॉल इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। और डिटॉल किससे बनता है, क्लोरोक्साइलिनॉल और टर्पाइनॉल से बनता है बच्चों, और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि डिटॉल का कॉम्पोजिशन बताओ। बाकी सोफ्रामाइसिन बच्चों सबने सुना है, इसका कहीं ना कहीं सबने लगाई होगी। बच्चों कुछ स्पेलिंग्स की अगर गलती हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, कई बार हो जाता है बच्चों बनाते हुए। और डिसइनफेक्टेंट्स जो है वो क्या होते हैं, वो नॉट सेफ टू अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एंटीसेप्टिक और डिसइनफेक्टेंट में क्या फर्क होता है, तो डिसइनफेक्टेंट जो है वो नॉट सेफ टू, मतलब उनको लिविंग बॉडीज पर हम नहीं लगाते, जैसे कि लाइजॉल बच्चों आपने सुना होगा, आपने हार्पिक सुना होगा। और बच्चों देखो 1% फिनॉल जो होता है वो होता है डिसइनफेक्टेंट, और अगर सिर्फ 0.2% फिनॉल ले लेंगे तो वो बन जाएगा एंटीसेप्टिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों ये वीडियो जनरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि मेडिसिन जो हैं वो कितने तरह की होती है। तो बच्चों आपको एक क्विक रीकैप दे देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया आपको, तो आपको एक क्विक रीकैप मैं आपको दे देता हूँ फटाफट। देखो बच्चों इतनी सारा की दवाइयाँ थी, एंटा एसिड्स के बारे में आपको बताया कि जो एसिडिटी जो खाली पेट खाते हैं, एंटी एलर्जिक, ठीक है, एंटीबायोटिक जो बुखार कम करती हैं, ट्रैंकुलाइजर जो डिप्रेशन कम करती हैं, एनल्जेसिक्स जो पेन को कम करती हैं, एंटी डिप्रेशन जो डिप्रेशन को कम करती हैं, एंटी माइक्रोबियल्स जो माइक्रोब्स को मारती हैं, और एंटी बायोटिक जो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स को मारती हैं और हमें वो खानी होती है। दिस इज फॉर ओरल, मतलब इसको हम खा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑफ्लक्सिन जो लूज मोशन में काम आती है, और एरिथ्रोमाइसिन जो गला खराब हो, एंटी फंगल बच्चों जो फंगस को मारती है ऑब्वियसली, और जो ब्लैक फंगस को मारेगी उसको भी एंटी फंगल ही बोला जाएगा, और बच्चों जो कोरोना वायरस को मारेगी उसको एंटी वायरल मारा जाए बोला जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोरोना वायरस को मारने की कोई एंटी वायरल बन नहीं पा रही एक्चुअली। एंटीसेप्टिक बच्चों जो स्किन वगैरह पे लगाते हैं जैसे कि डिटॉल और सोफ्रामाइसिन, और डिसइंफेक्टेंट बच्चों को होता है जो हम जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमें किसी तरह का कोई जो है वो मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा, जैसे कि सैनिटाइजर भी आजकल जो हम कर रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, तो वो पूरा आपको एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बना के दूंगा। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा। स्टे ब्लेस्ड।
एंड स्टे सेफ एट होम, ठीक है। और बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना, और जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको हर तरह की मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, ताकि कभी डॉक्टर ना मिल पाए या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।